अपना सत्संग शेयर करिए। सत्संग तो आए दिन होते रहते हैं, बट अभी हम लोग बड़े मंदिर गए थे और दर्शन करके आए थे। और जब हम मतलब गुरु जी का तो बहुत कृपा हम लोगों के ऊपर है। अभी हम लोग जब बड़े मंदिर जा रहे थे, जनवरी की बात है, तो मेरी डॉटर एक्चुअली जब हम आगरा पहुंचे तो रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकी। 350 किलोमीटर तो सफर अच्छे से कटा, बट जैसे ही रेस्टोरेंट में गाड़ी रुकी तो मैं सोची चलो लंच कर लेते हैं और फिर सीधे दिल्ली पहुंचेंगे तो बड़े मंदिर जाके दर्शन करेंगे सीधे। वहां पर क्या हुआ सडन से कि मेरी डॉक्टर बोल रही मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने बोला, इसके फादर ने इसको डांटा, बोला कि तुम रास्ते पर सोते आई हो इसलिए तुम्हें जो है ऐसा लग रहा होगा, तुम जाओ और अपना फेस वॉश करो। तो मैं उसका लेके गई, उसने फेस वॉश किया और हैंड वॉश करने के जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया वो वहां फेंट होके गिर गई रेस्टोरेंट में, उसके दोनों पांव उड़े और वहां बेहोश हो गई। मैं चिल्लाने लगी, मैं बोली क्या हो गया गुरु जी, कहां गलती हो गई, मेरी बेटी तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको तो मतलब क्या हो गया रास्ते में। अब थोड़ी घबराने वाली बात है कि हम रास्ते में क्या करें। लेकिन फिर उसके बाद से जो है मैंने इनसे कहा बीपी की मशीन ले कराऊं, तो इन्होंने बीपी चेक किया, 40 BP था उसका और वो आधे घंटे बेहोश रही। फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाला, मंत्र जाप किया, उसके सर पे सीने पे लगाया और उसको वहां पे नींबू पानी और ये सब घोल दिया और आधे घंटे बाद वो होश में आ गई और बोलती है कि मम्मा मुझे क्या हुआ था, मैं तो मतलब बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था। और वो ऐसे मतलब बातें कर रही थी और लंच भी किया अच्छे से कि उसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम अच्छे से सफर करके बड़े मंदिर पहुंचे और वहां से लंगर वगैरह करके अच्छे से दर्शन करके हम अपने घर पहुंचे। तो शुक्राना बारम्बार गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत पे कृपा बनाए रखिए और सारी मुश्किलें से संगत को निकालिए गुरुजी, हर पल साथ निकालिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरी डॉटर का एडमिशन भी नहीं हो रहा था, मतलब हम लोगों ने एक ही स्कूल में ट्राई किया था फॉर्म, लेट ट्राई किया था तो 600 फॉर्म्स भरे गए थे और इसका इंटरव्यू उतना अच्छा भी नहीं किया था। बट विश्वास एज आई कैन से कि गुरु जी पे विश्वास था कि हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा तो डर रही थी मैं। लेकिन शाम के समय जब अपलोड हुआ उस पे वेबसाइट पे तो सुबह ने बताया मामा किया तो हो गया, मैं तो इतनी खुश हो गई कि मैंने गुरु जी के स्वरूप को गले लगाया और डांस भी खूब किया मेरी डॉटर ने और मैंने कि गुरु जी आपने इसका एडमिशन करा दिया। शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही सारी संगत का कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कोई भी अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हैं तो प्लीज अपना शुक्राना करेंगे और क्या है वो खुद बताएंगे। जब से इनका एडमिशन हुआ है रोज सुबह शाम गुरु जी का शुक्राना हो रहा है और आज थोड़ा स्पेशल शुक्राना हो गया गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, इसी से संगत सत्संग कराते रहिए। प्यारी प्यारी संगत का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। निधिया के अपना सत्संग सुनाएंगी। जय गुरु जी। हमारे एक अंकल काम करते हैं, उनकी तबियत बहुत टाइम से खराब चल रही थी तो दो तीन बार एडमिट भी हुए। फिर ऐसे में मन गया कि मैं इनसे बोलूं और मेरे उनमें चल ही रहा था तो काफी दिन से ब्रेसलेट उनके हाथ में था, मैंने हाथ बदल जा रहा था कि मेरे ये हाथ गुरु जी का सत्संग है। अरे मेरी देखने इनके हाथ में शादी कर ही रहा था कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आप मानते हैं कुछ आपको दो अपने गुरु जी का, तो हंसते हैं ये जो मेरी बिटिया बहुत मानती है और वैसे भी उसने ही मुझे दिया है और इनकी वजह से ही मैं जो पढ़ा हूँ सामने गुरु जी की वजह से ही पढ़ा हूँ। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं ट्रीटमेंट चल रहा था बट मुझे नौकर नहीं मिल रहा था, तो
की वजह से ही उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला। गुरुजी जय प्रसाद से वो अभी तक मेडिसिन खा रहे हैं और गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है, काफी 99% ठीक है। अभी थोड़ी बहुत मेडिसिन उनकी चल रही है, वो थोड़ी और चल रही है, इसीलिए गुरु जी वजह से ही वो इस टाइम बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरु जी ऐसी सबके अपनी कृपा बनाए रखना, सबको ब्लेसिंग देना। लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करिए। सोने की अंगूठी थी और मैंने गलती से वो अंगूठी निकाल करके दूसरी उंगली में फंसा दी और वो जबरदस्ती मैंने फंसा दी थी। अब रात के 12 बज रहे थे और मेरी उंगली फूल रही थी, मतलब एक होता है ना कि क्लॉटिंग हो जाती है, ऊपर से मेरी उंगली फूलने लगी थी, तो मेरी उंगली का शेप ऐसे हो गया था। तो 12 बज रहा था और मंडे था, मेरे रूम में शिवलिंग रखे हुए हैं, तो मैं बस शिव जी को बोलने जा रही थी कि आप रोकर ठीक करो, जैसे भी ठीक करो, सुबह से पहले मेरी उंगली ठीक होनी चाहिए, मैं नहीं चाहूंगी। तो फाइनली मैं भी चल रही थी रात के 12 बजे के बाद, मैं कैसे भैया के पास हूँ, 1 बजे तक अपने दोस्तों से पूछती रही कि यार क्या करूं, तो सीधे बोला दीदी आप नीचे आ जाओ वरना उंगली काटने की नौबत आ जाएगी। भैया पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ, नीचे में आई और भाभी जाप कर रही थी, क्योंकि ऐसी अंगूठी वो सुनार ही थे जो हटा सकते थे, वो तोड़ने का तरीका, क्योंकि मोटी अंगूठी थोड़ी मोटी थी, तो उसको कैसे भैया ने काटा और भाभी तो जाप कर रही थी, लेकिन वो किस तरह से कटी हो, उसके बाद मेरी उंगली एकदम नॉर्मल हो गई। तो बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया गुरु जी, भगवान करे आप सबके साथ ब्लेसिंग्स हो। थैंक यू। मैं गुरुजी सुधारा गुरुजी, मेरे बेटे पढ़ने के लिए हम लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई किए थे, लेकिन करीब 8-9 महीना से कुछ काम नहीं हो रहा था, बस रोज बहाने रोज बहाने। गुरुजी ने यहाँ से स्वरूप ढूंढ पाए, किसी ने दिया बहाना दिया, कोई पहले भी स्वरूप लेके गए, तीसरे भी सब कुछ सही हो गया, लोन भी पास हो गया और खाते में पैसे भी आ गए, तुरंत सब कुछ होने लगा। जब कि वहाँ बैंक में ऐसे बहाने बना रहे थे कि ये मतलब नियम नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता, ये तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन सारे बहाने धरे धरे रखे, तुरंत सारे काम हो गए। गुरु जी की बहुत बहुत सुंदर, जय गुरु जी। चाय बांटते होते हैं तो वो बैठा रहता है, कहते हैं चाय चाय लेते हैं, तो एक आदमी बोला चाय प्रसाद ले लो, चाय प्रसाद। मैंने उसको बोला कि तुमने सुना वो क्या बोल रहा है, चाय पी, वो चाय प्रसाद बोल रहा है, ये गुरु जी आए थे। तो मेरे कहने पे जिसने ली तो वो एकदम आगे निकल गया, मैं तो देख वो चला गया, लेकिन देर में वो वापसी आया, उसने बोला लो चाय प्रसाद ले लो चाय प्रसाद। तो मैंने उसको बोला देख चाय प्रसाद स्टेशन पे तुमने आज तक किसी के मुंह से सुना है कि चाय प्रसाद ले लो, सिर्फ लोग चाय ही बोलते हैं। तो गुरु जी ने आपको कानपुर स्टेशन पे भी चाय प्रसाद भी दिया।